राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन तीन स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इस प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। जिम्मेदारी किसकी? देखें, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है, इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सिरनी। ही, हा। अचानक रुक जाओ, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हा, ये लोग तो काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और वहाँ हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वोता होंगे? स स स मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग में पतालपुरम की कुछ घटनाएं के बारे में पढ़ा आप शायद। जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि ये वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर आप लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। पतालपुरम में क्या हो रहा है? यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किसे यह कार्य करने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? है, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य का कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता का प्रतिनिधित्व चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं राज्य में, उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं।
ये चित्र में अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र बहुमत सत्तारूढ़ दल अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं। बहुमत सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, ये भारत का राजनीतिक मैप दिखाया गया है, दिख नहीं रहा है। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग में रंगा दिया गया है। इस पुस्तक में 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से ही इनकी आकृति बनाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी, हिमाचल प्रदेश राज्य की ये चित्र दिखाई गई है। जम्मू और कश्मीर का ये नीचे, पंजाब और उत्तराखंड और ये क्षेत्र दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, राजनीतिक दल चुने गए सदस्यों की संख्या, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं है 2, कुल योग 68। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं https://hp-vidhan-sabha-nic। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार 2017 के विधानसभा चुनाव जीते और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसीलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की संख्या होगी। भारतीय जनता पार्टी में 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसी उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जय श्री राम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की का यह दायित्व तो है कि वे शासन के विभिन्न भागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी के दल हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे आपको पढ़ने के मिलेगा। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़ों के पता कीजिए, जैसे आप हिमाचल प्रदेश के तालिका में देखें, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। विधानसभा में एक बहस, अफ ऋण सुजात और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित था। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हाल को देख सकते थे। हाल में डेस्क की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें वह कर सकते हैं। उसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्चा किया जाना चाहिए। यदि इस तरह मुख्य अधिकारी उन्हीं का होता है। विधायक एक अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोग की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने
को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजा जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। विधायक दो, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सक कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है, अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक तीन, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या, औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकर को काम में लगाया गया है, कितने कुएँ और तालाब की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक चार, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकर को काम में लगा दिया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक पांच, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालत से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावी क्षेत्र में सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। विधायक छ, विरोध पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोष रोपण कर रहे हैं। पिछले सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था, अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी विधायक पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगी। 1, 2, 3 विधायक खड़े हैं और 4 विधायक इधर से सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति रखते हुए उक्त भाग में अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के कामों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाती है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायक कहलाते हैं। विधायक के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासन की कार्य प्रणाली केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरा पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिसके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजे राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते हैं तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? आपके विचार से क्या उपयुक्त बस कुछ अर्थों में उपयोगी रही है? कैसे चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में क्या सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं क्या अंतर है? उन्होंने कहा कि सरकार ने कचरे को सूझ ली है। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पतालपुरम रवि राहुजा, पिछले कुछ सप्ताह में राज्य
के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। और आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मनसा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पानी पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया। उनकी योजना एक जन अभियान चला कर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में देखेंगे। हैजा के नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए दो उपाय लिखिए। प्रेसवार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेसवार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी तथा और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वित करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है और फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त कर कार्य का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। कारो जन संगठन ग्राम कोच में चित्र में दिखाया गया है। विभाग का नाम उनके कार्यों का उदाहरण, जैसे स्कूली शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, वाल पेपर। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि में किसी विषय पर शोध अथवा शोध किया जा सकता है। यहाँ से जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। शिक्षक चुने गए विषयों का पूरी कक्षा में परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने 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 आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठा की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताएं, कहानी, साक्षात्कार, विवरण आदि का रचना करते हैं। चित्र में दिखाए गए हैं बच्चे जो समझ गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। ये चित्र में इसके बाद प्रत्येक समूह अपने वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्यों को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूह अपना काम बताने के लिए बार बार
बराबर का समय मिले। जब भी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछा अच्छा रहता है। अपने आप वे क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। 2006 में डेंगू के महामारी के विषय में वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ने बनाया था। ये बनाया गया वॉलपेपर अपने राज्य की सरकार के कार्यों से जुड़ी कई अन्य मुद्दों पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने का एक परियोजना करें, जैसे ज्वार की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्यम भोजन कार्यक्रम आदि। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। मुख्य शब्द यानी शब्द संकलन में निर्वाचन क्षेत्र है। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों, इसे साधारणतः बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष इसका तात्पर्य उससे उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता में सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमि का सरकारी निर्णय और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उसे पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे।